नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो आयरियानं नमो वस्यायानं नमो वस्यायानं नमो लोए सर्वसाहुनं नमो लोए सर्वसाहुनं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सव पापणासनो सव पापणासनो मंगलानंच सवेसिं मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। कि तो ऐसा ही है कि मोक्ष जाने के लिए कोई गुरु होने ही चाहिए तभी मोक्ष होगा। और ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान में बर्थ है वो ज़्यादातर ऐसा समझते हैं कि बॉडी एंड आत्मा
उनका इतना तो विजन क्लियर हो जाता है जी, तो वो ऐसा समझ सकते हैं कि दे आर ऑन द वे ऑफ मोक्ष, और इतना ज्ञान काफी नहीं है मोक्ष पाने के लिए। बिकॉज ज्यादातर मैंने देखा है इतने धर्म गुरु बात करते हैं, इतने गुरु हैं, तो ज्यादातर आत्मा और बॉडी दे आर डिफरेंट, दे नो दिस बेसिक थिंग, तो दैट इज द थिंग ऑलरेडी इनफ टू गो टुवर्ड्स मोक्ष और उनको प्रगति करने के लिए, और मे बी दे नीड समथिंग। ये बेसिक ज्ञान है कि आत्मा और शरीर दोनों है और दोनों अलग है। ये ज्ञान अच्छा है, ज्ञान गलत नहीं है, ज्ञान तो सही है, मगर जो किताबों के माध्यम से ज्ञान पढ़ के समझ के जो आम जनता को बताते हैं, उनके पास ही लिमिटेड ज्ञान है। क्या है? दे नेवर गिव यू द आंसर ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, बट दे गिव यू द आंसर ओनली आंसर एज पर द स्क्रिप्चर ट्रूथ। मैं राइट और रॉन्ग? मेरी गीता में लिखा है, वेदांत में लिखा है, आगम में लिखा है, वही बताएंगा ना। द वर्ड्स इज प्रूव दैट इट्स अ लिमिटेड नॉलेज। समझ में आया? वर्ड्स इज प्रूव दैट लिमिटेड नॉलेज। ज्ञान ऐसा होना चाहिए एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रिएचर, आइदर दे बिलीव इट और नॉट, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सांप्रदायिक ट्रूथ नहीं है, इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं अगर नहीं मानूंगा कि भी रिबर्थ को मैं नहीं मानता हूँ तो मेरा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, वो तो होगा ही, क्योंकि मानो या नहीं मानो, क्योंकि तो सिद्धांत है, दैट्स इट, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानूंगा तो नहीं होगा, कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर कोई इंडिविजुअल की बिलीफ के आधार से बिहेव नहीं करता है। आप समझे ना? तो ऐसे जब सनातन सिद्धांत लॉ ऑफ नेचर के फॉर्म में हमको जितने भी समझ में आते हैं तो अपना विजन ब्रॉड होता है। क्या होता है? नहीं तो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और छोटे विजन से यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में नहीं आता है। सांप्रदायिक ट्रूथ समझ में आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आएगा। नहीं समझ में? तो ऐसा है, तो कोई भी व्यक्ति उसको प्रेजेंट करेंगे तो मैंने कहा ना, गुरु की जरूरत नहीं है, ज्ञानी की जरूरत है। ज्ञानी हर समय अपने ज्ञान के अनुभव ज्ञान के आधार से वो मुक्त रहते हैं। क्या रहते हैं? मुक्त रहते हैं। किससे मुक्त रहते हैं? मन वचन काय की अवस्थाओं से। नाउ यू गॉट इट? इस पे मैं अपना अनुभव प्लीज प्लीज कि मैं वेद उपनिषद तो काफी साल से पढ़ रहा था, जी जी 8-10 साल हो गए ध्यान करते वेद उपनिषद और काफी किताबें पढ़ते हैं, या पर तब जो पढ़ता था तो अपने व्यू पॉइंट से, जैसे आपने कहा, अपने व्यू पॉइंट से समझता था, राइट राइट, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से समझता था, करेक्ट करेक्ट, और उसमें कभी ठीक से समझ में नहीं आया, या मतलब उसमें एक अर्थ क्या मालूम होता है, मर्म नहीं मालूम होता, उसमें हमेशा कुछ मिसिंग लगता था, मिसिंग लगता था। पर जब मैंने ज्ञान लिया उसके बाद वही किताबें पढ़ता था एकदम अलग, वही तो एकदम जो उसका भावार्थ था तब समझ में आने लगा। पर उससे पहले नहीं, वो ऐसे था कि पहले डेड थी किताबें, उसके बाद लाइव हो गई, जीवित हो गए, जीवित दृष्टि आई ना, इसलिए मैंने कहा ज्ञान दृष्टि में है, शब्दों में नहीं। हाँ, तो वो सिर्फ किताब पढ़ के कोई ज्ञानी हो जाता तो बहुत लोग हो चुके होते हैं। किताबें तो बहुत है दुनिया में और एक से एक है, उसमें कोई राय दो राय नहीं है, मगर ज्ञान तो दृष्टि में है, किताबों में नहीं, किताबों में नॉलेज है। क्योंकि वही किताबें जो मैं पहले पढ़ता था और बहुत बार पढ़ता था समझ में नहीं आती थी, और वही ज्ञान आने के बाद जब पढ़ता था तो एकदम एकदम समझ में आया, एग्जैक्ट समझ में आ गया। क्योंकि दृष्टि की बात है ना, ये नॉलेज की बात नहीं थी। पहले आपके पास नॉलेज था, बुद्धि भी थी, और बुद्धि के हिसाब से वो किताब आप समझते थे, पढ़ते भी थे और समझते थे। अभी ये ज्ञान मिला, ज्ञान का मतलब होता है दृष्टि, और दृष्टि का मतलब होता है सही दृष्टि। जब सही दृष्टि आते हैं तो बात भी हमको सही तरह से मालूम होती है, जो
फैक्ट के ऊपर डिपेंड है, फ्रिक्शन के ऊपर नहीं। नहीं तो पहले क्या था, वेदांत में जो लिखा है वही सही है, ये फ्रिक्शन वाला ज्ञान था। और उनके बाहर की कोई बात मेरे लिए काम की नहीं है, ये हमारी क्या थी, बाउंड्री बनाई थी। अब मैं कोई भी किताब पढ़ता हूँ, कोई भी धर्म की, तो मैसेज एक ही समझ में, एक वही तो मैं कहता हूँ, साइंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, हमने उसको पार्टीशन बना दिया। मैंने कई बार अपने जो अपना संघ है उसको भी मैंने कहा कि डोंट प्रेजेंट द यूनिवर्सल ट्रूथ विद द नेम ऑफ पर्सन। आप नाम के साथ जुड़ होंगे, अपने आप क्या हो गया, आप धर्म के साथ जुड़ जाओगे क्या हो गया, आप भगवान के साथ जुड़ दोगे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई ओनर होता है, क्या कोई क्रिएटर भी होता है? वंस यू प्रेजेंट विद द नेम ऑफ द पर्सन, गॉड और रिलीजन, अपने आप क्या हो गया। इसीलिए वेद उपनिषद और जैन शास्त्रों पे कोई ऑथर नहीं है, तो ये समझने की कोई नाम नहीं है उससे जुड़ा। मगर आज क्या होता है, सांप्रदायिक ज्ञान इतना स्ट्रांग हो गया, सबको अपनी बातें अपनी तरफ से कहनी है, उसका उसको क्रेडिट लेना है, क्या लेना है, दैट्स इट। तो इसीलिए अपने आप संप्रदाय बन जाता है, क्या बन जाता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ बाहर रह जाता है। तो मैं पहले से बचपन से कहता था कि इस प्रकार से प्रेजेंट मत करो, जो राम ने बताया वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कृष्ण ने बताया वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो महावीर ने बताया वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और तीनों व्यक्ति यूनिवर्सल ट्रूथ के ओनर नहीं थे और क्रिएटर भी नहीं थे, दे जस्ट रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड सेड टू द पीपल ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद जो किताब बनी उसमें क्या हो गया, ये कृष्ण ने ये कहा तो महावीर वाले नहीं मानेंगे, महावीर ने ये कहा तो राम वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या हो गया, अपने आप क्या हो गया, संप्रदाय हो गया। द वे यू प्रेजेंट इट इट विल बी कॉल्ड अ कल्ट, अपने आप हो गया। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, मगर उनके बाद जो परंपरा रही धर्मगुरु की, उन्होंने प्रेजेंट इस प्रकार से किया ताकि वो अपने आप कल्ट बन गया, और बाद में एक कल्ट को दूसरे कल्ट वाला एक्सेप्ट नहीं करने लगे, तो अपने आप क्या हो गया, भेद हो गया। हालांकि उसके अनुभव में भेद नहीं था, मगर मैंने फिर भी कहा पहले कि एक्सप्रेशन है उसमें तो लिमिटेशंस रहेगी, क्योंकि सापेक्ष है, स्पीच कभी निरपेक्ष नहीं होती। भगवान जो आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, नेवर एक्सप्रेस इट, वो नहीं बता सकते हैं, और जो बताएंगे वो भी अप्रोक्सीमेट होगा, सापेक्ष, निरपेक्ष तो कैसे होगा। आप कहोगे मैंने 50 साल से बिजनेस किया है, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपके लड़के कहते हैं नाउ कैन यू टेल मी योर एक्सपीरियंस, यू कैन एक्सप्रेस इट, और जो भी कहोगे क्या वही अनुभव है आपका, इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो शब्दों की तो मर्यादा हर समय रहेगी, और हम शब्दों को ही सनातन सत्य समझेंगे तो सनातन सत्य कभी नहीं पाएंगे। शब्द की एक लिमिट है, क्या है, मीडिया है टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स, मगर मीडिया को ही आप समझो कि वो ज्ञान है, बस वही अज्ञानता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये डिश है, ठीक है, तो अभी डिश नहीं है, यहां मैं वर्णन करता हूं कि डिश ऐसी है, उनका कलर ऐसा है, वो इस फॉर्म से बनी हुई है, तो जो वर्ड्स है वो एक्सपीरियंस नहीं है। यू गॉट इट माई पॉइंट, शब्दों को अनुभूति नहीं है, शब्दों जो अनुभव किया है उसको एक्सप्रेशन करने का साधन है, मगर वंस यू आप जब इस चीज को जब पाओगे तब आपको मालूम होगा क्या आखिर क्या है। मैं आपके मुंह में शक्कर रख दूं, क्या रख दूं, और कहूंगा कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो बोलो मिठास का अनुभव हुआ। मैं कहूंगा मिठास का मतलब क्या है, हाउ यू कैन एक्सप्रेस इट, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज नॉट मैटर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपने जिंदगी भर में कभी स्वीट नहीं खाई है, मिठास नहीं खाई है, और मैं कितना भी डिस्क्राइब करूंगा 1000 पाने की किताब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वीट, क्या आपको अनुभव होगा, विद द डेफिनेशन इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। शब्दों की तो मर्यादा रहेगी और वो हमेशा अप्रोक्सीमेट ही रहेंगे, वो सापेक्ष ही रहेंगे, कभी निरपेक्ष नहीं होंगे। और हम शब्दों में ही ज्ञान ढूंढ रहे हैं, दैट इज अवर वीकनेस।
एक्शन में ही ज्ञान ढूंढ रहे हैं, रिचुअल्स में ही ज्ञान ढूंढ रहे हैं, दैट इज अवर वीकनेस। और इसीलिए कभी हम सनातन सत्य नहीं पा सकते हैं। सनातन सत्य इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर ऑल। क्या H2O से पानी होता है, क्या वो सनातन सत्य नहीं है? है कि नहीं? उसमें कोई धर्म संप्रदाय या भगवान जुड़ते हैं? नहीं। इट्स ट्रूथ, इट्स लॉ ऑफ नेचर। अगर हम कहेंगे कि गॉड एंड गॉडेस इज वो बारिश लाते हैं, तो इट इज अ मैटर ऑफ फेथ नॉट फैक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड फैक्ट? ये श्रद्धा की बात है कि देवी देवता बारिश करते हैं, ये श्रद्धा की बात है। हालांकि दिस इज साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो नहीं समझते हैं तो हम ये श्रद्धा की बात करते हैं और उसी को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो साइंस इज वेरी क्लियर, नो हैपेजेंट, इट्स एक्सेप्ट। एंड वंस यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, तो दुनिया में कोई चीज में आपको मोह नहीं रहेगा। क्या पाना है या तो क्या खोना है? जो पाना है वो भी रिजल्ट है और जो खोना है वो भी रिजल्ट है। और मैं हूं उसमें न पाना है न खोना है, ये मैं सेंटर में हूं और ये सर्कल में है। उनके लिए पाना खोना है क्योंकि कर्म का फल है, मेरे लिए न पाना है न खोना है क्योंकि मैं तो सेंटर में हूं और ये सर्कल में है। किस में है? और सर्कल कभी सेंटर के बिना नहीं चल सकता, नहीं हो सकता। आपको शायद आज ये बात छोटी लगेंगी, पर इन फ्यूचर मे बी 100-200 ईयर्स के 300 ईयर्स के बाद लोग ये साइंस को ढूंढेंगे। द साइंस इज नॉट इन अ स्क्रिप्चर। इतना सरल भाषा में, इतनी सिंपल भाषा में ये साइंस एक्सप्रेस नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? था, एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि एक्सप्रेस होना वो भी सर्कमस्टेंसेस है। होना अलग बात है और एक्सप्रेस होना अलग बात है। महावीर के पास जो ज्ञान होता हुआ था, क्या सभी एक्सप्रेस हुआ? कृष्ण के पास जो था सभी एक्सप्रेस हुआ? राम के पास जो था वो सभी वो व्यक्त कर सके? नहीं। उसके लिए संजोग चाहिए। क्या चाहिए? संजोग। बिना संजोग ज्ञान एक्सप्रेस नहीं होते हैं। और जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज है। क्या है? और नॉलेज के आधार से बनाई हुई किताब से नॉलेज मिलता है, अनुभव नहीं मिलता है। नॉलेज मिलता है, आपका जो ब्रेन है वो पावरफुल होता है, मगर एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये साइंस अविरोधाभास साइंस, क्या बताया? कोई जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। आप कोई भी धर्म की बात करोगे अपने आप कॉन्ट्राडिक आ जाएगा और उसका आपके पास आंसर भी नहीं होगा। फिर आप वही बात करोगे कि किताबों में लिखा है, या तो व्यक्ति का नाम लोगे, ये व्यक्ति ने कहा है, बस वो खत्म हो गई। वहां साइंस से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वो श्रद्धा की बात आ गई। क्या आ गई? वो सिद्धांत की बात नहीं है। सिद्धांत का मतलब होता है सब लोग समझ सकते हैं, चाहे किसी को भी मानते क्यों ना है, मगर सिद्धांत तो सिद्धांत है, वो श्रद्धा की बात नहीं है। जो भी लोग थिंक कर रहे हैं ये सब लोग ये विज्ञान को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म वाला समझ सकते, पूरे दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी विचारक के लिए विज्ञान है, उसमें कोई धर्म संप्रदाय बीच में नहीं आता है। और मेरे जीवन का यही मकसद है कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे विदेशों में जहां लोग थिंक करें ये साइंस जाने चाहिए, और साइंस साइंस के फॉर्म में जाना चाहिए, ओनरशिप के फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। क्या बताया? साइंस के फॉर्म में जाना चाहिए, ओनरशिप के फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज साइंस का मालिक वास्तव में कोई नहीं है और साइंस का क्रिएटर भी कोई नहीं है। सिर्फ
अनुभवी ज्ञानी पुरुष वो साइंस को रियलाइज करके लोगों को शेयर कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट ओनर. वंस यू सेल इट द साइंस, साइंस इज गॉन, चला जाएगा. आपने बेचा, खत्म हो गया. बेचने का मतलब क्या? के फॉर्म में भी कर सकते हैं. जैसे मेरे पास ज्ञान है, आप सब लोग प्रभावित हो जाओगे, फिर मैं कहूंगा कि मेरे को टेम्पल बनाना है, आप क्या कहोगे? स्वामी जी आई विल हेल्प यू. मेरे को किताबें छपवानी है, आप कहोगे आई विल हेल्प यू. मैं कहूंगे हर जगह पर मेरे को बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट बनानी है, आप कहोगे आई विल हेल्प यू. तो ये एन केस हो गया है. तो उसका मतलब है जो मुक्त पुरुष है वो इस प्रकार का लेबर नहीं करते हैं. लेबर समझते हैं? पैसा लेना और पैसा का उपयोग करना, दैट इज द बिगेस्ट लेबर फॉर ज्ञानी पुरुष. आम लोगों के लिए ये हो, उनके लिए नहीं है. उनके लिए तो ज्ञान में रहना, अपने सेंटर में रहना, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर ज्ञानी पुरुष. लेना देना वो अचीवमेंट नहीं है, वो कर्मों का फल है. क्या है? क्या मुक्त पुरुष को कुछ पाने का बाकी है? नहीं. कुछ खोने का बाकी है? नहीं. न पाने का है न खोने का है, क्योंकि वो कहाँ है? सेंटर में. और सर्कल है, वो अपने आप एंड हो जाएगा. एंड करना, जिसे पैदा हुआ तो अंत होगा, जो पाया वो तो चला जाएगा. पर क्या ये नहीं हो सकता कि जो भी वो कर रहे हैं वो निमित्त मात्र कर रहे हैं? जैसे दादा ने भी कहा था कि मैंने पूर्व जन्मों में भाव रखा था कि मैं लाखों को ये ज्ञान पहुंचाऊं, ज्ञान देना, तो इसी वजह से वो माध्यम बने थे, पर उनकी खुद की इच्छा नहीं थी. वो तो माध्यम बने थे. ऐसे हर ज्ञानी पुरुष, हर अनुभवी पुरुष वो माध्यम बनते हैं. जैसे तीर्थंकर भी तो माध्यम बने ना अपने पूर्व जन्मों के, वो माध्यम बनते थे मगर वो मार्केटिंग नहीं करते थे. Once you sell it your gnan, it is to be called a market material. Once you advertise your gnan, it is to be called a market material. जो अमूल्य चीज होती है उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत नहीं है और उसके लिए एड की जरूरत नहीं है. जो लोग पुण्यशाली हैं वो ही पाएंगे और जो लोग पुण्यशाली नहीं है वो नहीं पाएंगे. ये ऐसी बात नहीं है कि आप करोड़ों को दे दो भाव रख सकते हैं. न राम ने करोड़ों को दिया, न कृष्ण ने दिया, न महावीर ने दिया, क्योंकि वो देने वाले नहीं थे. उनका भाव था, जो पुण्यशाली थे उन्होंने पाया. नो मार्केटिंग, नो एडवर्टाइज. एम आई राइट और रॉन्ग? एक सवाल है. कबीर के पास जो ज्ञान था उनका अनुभव नहीं था? था कि नहीं? था. मार्केटिंग किया? नहीं. कभी सेल किया? नहीं. कभी एनकेस किया? नहीं. उनके लाइफ में कोई फर्क हुआ? क्योंकि वो ज्ञान को शेयर करते, शेयर नहीं करते. कितने लोग पाते हैं वो नहीं देखते, उनकी भावना है. अभी कौन पाएगा वो उनका तकदीर है. मैं क्यों इसको बेचूं? क्या मेरे को सेल करना है? आप समझे? और सेल का मतलब होता है एनकेस. पर मेरा एक सवाल है इसमें, समझे आप? तो ये डिफरेंट हो जाता है. मैं दादा भगवान की खुद की बात करता हूं. मैं 11 साल उनके साथ रहा, 77 to 88. कभी दादा भगवान ये नहीं कहा कि मेरे सत्संग के लिए न्यूज़पेपर में फ्री ऑफ चार्ज भी एडवर्टाइज दो. फ्री ऑफ चार्ज क्या बताया? एडवर्टाइज दो, वो भी नहीं बताया. कभी उन्होंने कहा कि सत्संग हॉल में रखो ताकि ज्यादा लोग आए. वो कहेंगे ऐसा करोगे तो लोग तो ज्यादा आएंगे. फिर पूरा ज्ञान उनकी देखभाल में ही चला जाएगा. फिर जो जिज्ञासु लोग हैं उनके लिए ज्ञान नहीं रहेगा. आप समझे? फिर जो ज्ञान की बातें हैं
वो अपने आप सोशल टॉक हो जाएगी। लेवल क्या हो जाएगा? आध्यात्म का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। बिकॉज द पीपल दे आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द ज्ञान, नॉट लेवल ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या करेगा, कौन सा प्रश्न करेगा? मेरे वाइफ के साथ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, मेरा बिजनेस नहीं चलता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। दिस इज द आध्यात्मिक क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ साइंस। मगर अपने आप क्या हो गया, लेवल क्या हो गया? फिर वही बातें आम जनता में जाएंगी मल्टीप्लाई होके, तो कौन सा ज्ञान पक्का होगा, विज्ञान का या व्यवहार का? कौन सा पक्का होगा? और विज्ञान, समझ में आया? मैं सत्संग में साफ बोलता हूं, लाखों सोशल क्वेश्चन, करोड़ों सामाजिक प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वन सेंटेंस में है। सोशल क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ सोशल क्वेश्चन, कोई भी प्रकार का सामाजिक प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वन सेंटेंस में है। हिसाब के आधार से व्यक्ति है, सॉल्यूशन है। व्यक्ति के आधार से हिसाब है, प्रश्न ही प्रश्न है। Am I right or wrong? That's it. क्या मेरे कर्म के बिना मेरे को अच्छा या बुरा व्यक्ति मिल सकता है? संजोग भी मिल सकता है, ठोकर भी लग सकती है विदाउट माय कर्म? नहीं लगती है। जब हिसाब के आधार से व्यक्ति है तो सॉल्यूशन है, व्यक्ति के आधार से हिसाब है तो क्वेश्चन है। जब साइंस जानोगे तो लाखों प्रश्नों का सॉल्यूशन सिर्फ सिद्धांत में है। और आप जब फिजिकल फॉर्म में जाओगे, ऑलवेज इन अ कंफ्यूजन, उत्तर मिलने के बाद भी रहेगा कंफ्यूजन, क्योंकि सॉल्यूशन साइंटिफिकल नहीं है, थियोरिटिकल है। मैं कहूंगा वाइफ के साथ और हस्बैंड का झगड़ा होता है तो आपको ये करना, ये करना है, ये करना है, क्या करने से सॉल्यूशन मिलता है? जस्ट टाइम पास, जस्ट, दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड सॉल्यूशन, बट ओनली, जैसा आप कहोगे स्वामी जी मेरे को बहुत नुकसान हो गया है इसलिए बहुत टेंशन होता है, मेरी नींद भी चली जाती है, मैं कहूंगा रोज की आप 15 माला गिनो तो क्या हो जाएगा? टाइम पास, दैट इज अ सॉल्यूशन, ये आध्यात्मिक सॉल्यूशन है। कल दूसरी प्रॉब्लम खड़ी आ जाएगी, हो सकती है, उनके लिए कुछ और कर लो। तो ये जो होना चाहिए साइंस वो नहीं मिला, और इसीलिए ये टेम्पररी एडजस्टमेंट मिला। उससे विकल्प तो रहे और विकल्प बढ़ते रहे, इसीलिए मैंने कहा ज्ञानी पुरुष का उत्तर सिर्फ उत्तर नहीं है, वो आपको निर्विकल्प ही बनाता है। क्या बनाता है? विकल्प ही नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? नो विकल्प। जब मैंने इतनी सारी बातें बताई उसमें कोई विकल्प है? मैंने आपको कोई भी प्रश्न करना है तो करो, क्योंकि विकल्प नहीं है तो आप कहाँ करोगे? मैं उनकी सामाजिक बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि आपके वाइफ के साथ प्रॉब्लम है ना, ऐसा करो, ऐसा करो। फिर प्रश्न रह गया, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा? फिर वाइफ कहेंगी वो करेंगे तो क्या होगा? देयर इज नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। और जो देते हैं क्या वो भी फाइनल सॉल्यूशन है? जस्ट टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो उससे कभी ना अंदर साइंस समझ में आता है और ना कभी साइंस अनुभव में आता है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान यही साइंस को लोगों को शेयर करना चाहते थे, चाहते थे, मगर ड्यू टू द जो लोग उनको मिले उन्होंने साफ कहा दे आर माइनस मार्क्स, व्हाट दे से, सो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाउ यू नो कि अगर वो साइंस देते तो लोग क्या जाते, भाग जाते। उन्होंने देने का प्रयास किया, नहीं समझ पाए, फिर एक एक करके रिचुअल साइड, मिनिमम बेनिफिट, क्या बताया, मिनिमम बेनिफिट, कम से कम ये तो लाभ मिले उसको, अगर वो साइंस नहीं भी समझे तो क्या करोगे? जो लोग समझ सकते हैं साइंस वो सब काम में पड़ गए,
पर ये भी तो कर्म का सिद्धांत ही है ना, जिसका कर्म एकदम पक के आता है वही समझ पाता है, चाहे वही वरना कितना भी समझाओ। वो वही बात को मैं बताना चाहता हूँ, नहीं कि मेरा कहने का मतलब जो हो गया उसका रीजन क्या वो बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं किसी ने किया है। आप समझे क्यों ऐसा हुआ, साइंस क्यों नहीं निकला, उसका मैं रीजन बताता हूँ। उनके पास तो था, उनको देना भी था, परिस्थिति नहीं थी। समझने वाला भी चाहिए ना। वो कहता है नहीं मेरे को तो श्री राम जय राम जय राम में आनंद आता है, तो मैं साइंस क्या बताऊंगा। वो कहता है मेरे को पूजा पाठ में आनंद आता है, मैं साइंस क्या बताऊंगा। बोला सब बातें धर्म की छोड़ दो, मैं तेरे को पैसा कमाने में आनंद आता है, मैं साइंस क्या बताऊंगा। वो कहता है छोड़ दो और अगर बातें, बस बिजनेस करो, खाओ पियो, आनंद करो, तो मैं उसको साइंस क्या बताऊंगा। आप समझे ना, जब उसकी कोई तैयारी नहीं है, हाउ आई कैन गिव टू साइंस। तो उनके लिए भी संजोग चाहिए। बिना संजोग हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इसीलिए जब दादा भगवान इन 1985 जब इंडिया में थे, तब से उन्होंने बिफोर अमेरिका आने से पहले उन्होंने सबको बताया कि मेरे को साइंटिस्ट को मिला दो, ताकि मैं उसको साइंस देना चाहता हूँ। क्या बताया? तब महात्मा ने कहा कि दादाजी हमको साइंस दो ने, हम भी तो आपके आपके पास बैठे हैं, इतने समय से ज्ञान भी लिया है। तब दादा ने कहा आपके लिए साइंस नहीं है, क्योंकि आप तो मैं जो कुछ बात बताता हूँ वो सीधी अंदर उतारते हैं और सीधी बाहर निकालते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे ना, जो बताया वो कहाँ गया? अंदर। और किसने पूछा तो वो सीधा निकला विदाउट रियलाइजेशन। तो वो साइंटिस्ट है, तो बता के क्या फायदा, क्योंकि वर्ड्स को ही साइंस मानते हैं। और जो साइंटिस्ट होगा वो उनकी बात समझेगा, सोचेगा, पुट अप इन अ प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस, फिर जो अनुभव होगा वो कहेगा कि दादाजी आपने जो बताया मेरे को ये अनुभव हुआ, फिर उसमें करेक्शन होगा, फिर आगे बढ़ेगा। सेम शब्द में निकलेंगे नहीं, कैसे निकलेगा वो अपने शब्द में निकलेंगे। अभी आप समझे, हर साइंटिस्ट जो एक्सप्रेशन करते हैं उनके ओन वर्ड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आई फाइव नो एक्सपीरियंस, आई रिपीट द वर्ड्स ऑफ प्रीवियस ज्ञानी पुरुष, बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस, हाउ आई कैन एक्सप्रेस माय ओन वर्ड्स। फिर जो ज्ञानी पुरुष ने कहा है वही मेरे को रिपीट करना पड़ेगा आपको, वही एग्जाम्पल, वही सेंटेंस, सेम आई कैन ट्रांसफर टू यू। आज से करीब 15 साल पहले, 10 साल पहले कहीं थिंकर पीपल जब आते थे सत्संग में, तब वो हमको प्रश्न करते थे कि स्वामी जी अगर आप हम आप्तवाणी की बात बताओगे इट इज गुड नॉट बैड, मगर आप नहीं बताओगे तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं। नहीं समझे? अगर आप तो वाणी की ही बात बताते हैं, वही एग्जाम्पल देते हैं, वही डेफिनेशन देते हैं, वही बात करते हैं, तो अगर आप नहीं बताओगे तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ? पढ़ तो सकते हैं, किताब तो यही मांग। अगर वही आपको डिलीवर करना है तो फायदा क्या? तो आप मिले या ना मिले फर्क क्या हुआ? इफ यू रिपीट द सेम वर्ड, सेम एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट टेल मी It is there in the books. So what is the difference between you and books? किताब में और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। मेरे बोलने में से शायद अगर रिपीट करूंगा तो गलती हो भी सकती है, किताब में तो नहीं होगी। Am I right or wrong? इसीलिए ज्ञानी ने कहा कीमत अनुभव की है, कीमत शब्द की नहीं है। जो अनुभव के शब्द है वो चेतन है, और नॉलेज के शब्द है वो जड़ है। जड़ इज अनइफेक्टिव, चेतन इज इफेक्टिव, बिकॉज जो अनुभव की बात करते हैं उनके पास पावर होता है, जो दे नॉलेज द ट्रांसफर उनके पास पावर नहीं है, बिकॉज ऑफ नो एक्सपीरियंस। पावर कहां से आएगा? जैसे कोई आपको बिजनेस करना है,
आपने पूरी किताब वो बिजनेस के पढ़ दिया, बिगिनिंग से लेकर एंड तक के, हाउ टू डू द बिजनेस, वो किताब पढ़ दिया। और दूसरा व्यक्ति ये, इन्होंने किताब नहीं पढ़ा है मगर 40 साल से अनुभव किया, वो इज पावरफुल। आपके पास नॉलेज शायद उनसे ज्यादा हो सकता है मगर वैल्यू किसकी है? प्रैक्टिस की। okay. नहीं समझ में आया? That's it. हमको अनुभवी बनना है, हमको नॉलेजेबल नहीं बनना है। नॉलेज तो हर अवतार में प्राप्त किया है, अलग अलग धर्म का हर अवतार में प्राप्त किया है, ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि साइंस नहीं जाना। साइंस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड स्क्रिप्चर इज अ इंडिविजुअल ट्रूथ, और इंडिविजुअल ट्रूथ से डेवलपमेंट नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ से डेवलपमेंट होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? दैट्स इट। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ जब प्रेजेंट करता है तो उनकी हर बातें कैसी होती है? अनकॉन्ट्राडिक्ट। क्या होती है? अनकॉन्ट्राडिक्ट। अरे कॉन्ट्राडिक्ट होती है तो फिर वो अनुभव नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी परिस्थिति में आपको ज्ञान नहीं लगा पाओ तो उस ज्ञान का क्या फायदा? क्या फायदा? तो हर परिस्थिति जब कोई ज्ञान आपको अप्लाई करने के समय ड्यूअलिटी उत्पन्न होती है, बाकी ऐसा ही आपको मिला है ज्ञान, तो वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो तो कंफ्यूजन का ज्ञान है। क्या है? ये करो, ये करो, ये करो, तो ये कंफ्यूजन का ज्ञान है। तो आखिर ज्ञान कंफ्यूज होना चाहिए? नहीं। That's it. तो अगर किसी को यहाँ सत्संग में बुलाना है या इंट्रोड्यूस करना है, लाइक हु इज दादा एंड लाइक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ज्ञान, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सब चीज अपनी जगह पे सही है, सिर्फ हमको पाना क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। फर्स्ट स्टैंडर्ड भी सही है, पीएचडी भी सही है, कॉलेज और मास्टर डिग्री भी सही है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है? वी अटैच विद द स्टैंडर्ड, नोबडी इज रॉन्ग एज पर द स्टैंडर्ड। अगर मेरे पास पीएचडी का ज्ञान है तो क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड गलत है? मगर जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति होगा उसको सूट कहाँ होगा? मैं उसकी बात करूँगा तो भी सूट। इसीलिए हमको एक बार यूनिवर्सल ट्रूथ जो जानते हैं वो एक्सप्रेस करना, उनको लगे कि ये ठीक नहीं मेरे लिए, मैं तो बस भक्ति करता हूँ, तो इट इज़ ओके, वो रॉन्ग नहीं है, बिकॉज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ऊपर तो वो नहीं जा सकता है। उनको कहो कि जो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष के पास से दृष्टि प्राप्त करके खुद अनुभव करके पूरा साइंस बताता है, और वो साइंस आप जान के वही साइंस का आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको वो जानना है तो यहाँ है, अगर आपको रिचुअल्स की बात जानना है तो किताबों में है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना, अगर आपको भक्ति करना है तो ये है, अगर आपको ट्रेडिशनल बातें फॉलो करना है रिचुअल्स तो ये है। सबके लिए अपना अपना अलग अलग है। कोई कहता है मेरे को सिर्फ कीर्तन भक्ति पसंद है तो इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। आप कहोगे ऊपर की बात तो ऊपर चले जाएगी, तो उनके लिए तो हेल्पफुल नहीं है। तो हमको देखना है कि बात बताने से उनको इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो छोड़ दो, इट्स राइट एज पर हिज व्यू पॉइंट। वो कहता है कि नहीं मेरे को आगे बात, अभी जो मेरे को मिला है मेरे को लगता है कि ये आखिर वो अल्टीमेट ट्रूथ तो नहीं है, मेरे को आगे का ट्रूथ जानना है, मेरी अवेयरनेस है मगर देने वाला कोई नहीं है, तो उनको बता दो, क्योंकि उनकी जिज्ञासा है। मगर वो कहते हैं नहीं मेरे को ये जो मैं करता हूँ वो करेक्ट है, तो उनको हिलाने की जरूरत नहीं है। जो अपनी जगह पर स्थिर बैठा है इसको मत हिलाओ, जो कुछ खोज रहे, कुछ सोच रहे, कुछ पाने का प्रयास कर रहे, उनके लिए साइंस है। उनने कहा जो मैंने पाया था वो इनफ है, तो उनके लिए जरूरत नहीं है। भले हमारी दृष्टि वो इनफ है या नहीं वो छोड़ दो, उनकी दृष्टि इनफ है ना, दैट्स इट। तो दरेक व्यक्ति खुद तो अपना मालिक होता है ना, वो क्या करना है क्या नहीं वो अपनी मर्जी होती है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं कहते कि यू आर रॉन्ग, हैज पर अंडरस्टैंडिंग इज राइट। तो उनको जरूरत नहीं है, उनको हिलाने की भी जरूरत नहीं है। कितने लोग मेरे सत्संग में आते हैं तो कहते हैं स्वामी जी मैं उनको लेके आऊँ, उनके लेके आऊँ। मैंने बड़ा कहा, मैं कहता हूँ उसको देखो उनको 4-5 सत्संग उसको सुनाओ, इंटरनेट से सुनाओ या डीवीडी के फॉर्म में सुनाओ, डजंट मैटर, उनको सुनाओ। सुनने के बाद इसको लगे कि
ये जो बातें हैं जो मैंने सुनी वो मेरे लिए हेल्पफुल है फॉर माई ग्रोथ, देन वेलकम। वो सकता है कि मेरे लिए काम के नहीं है तो लाने से क्या फायदा बेचारे को, व्हाई दे वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी, आप समझे? तो यहाँ मैंने पहले भी कहा ये सेल नहीं करता हूँ, सेल करता हूँ। क्या बताया? सेल नहीं करता हूँ। और मैं अपने जीवन में कई बार कह चुका हूँ कि राम और कृष्ण ने अपने हजारों साल के आयुष्य में, नॉट 50, 100 or 200, हजारों साल के आयुष्य में कभी भी 500 पीपल के सामने भी अगर प्रवचन किया है ऐसा एक प्रूफ दे दो मैं गुलाम हो जाऊंगा आपका। आई रिक्वायर द ओनली वन प्रूफ आउट ऑफ हिज 1000, 2500 ईयर्स। 5000 साल का उस आयुष्य में कभी भी उन्होंने 500 व्यक्तियों के सामने अगर प्रवचन किया है, धर्म का उपदेश दिया है, ऐसा एक प्रूफ दे दो, ओनली वन प्रूफ, तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। इतने समर्थ होने के बावजूद, क्योंकि दिस इज नॉट मैटर ऑफ मार्केटिंग, यहां भी डायमंड मिलते हैं जिसकी कीमत 1, 2, 3, 4, 5, 10 मिलियन हो सकती है वन डायमंड की कीमत, मगर वो डायमंड देखने का सद्भाग्य भी सबका नहीं होता है। Am I right or wrong? That's it. डायमंड तो डायमंड है, उसका मतलब ये नहीं एप्लीकेबल फॉर ऑल, नो। और वो गलत भी नहीं है, वो कहते हैं मेरे को कल्चर से चलता है तो क्या बात तकलीफ है, वो हमारे बस की बात नहीं है तो खत्म हो गई ना। ही इज राइट, वो गलत नहीं है, वो करेक्ट है। क्या है? वो कहते हैं मेरे बस की बात नहीं तो क्या करोगे, सही कहता है ना वो। ऐसे यहाँ की जो छोटी बात है वो यहाँ अध्यात्म में भी सेम है। जब मेरी कैपेसिटी ऐसी कि बस मैं भक्ति में लगा रहता हूँ, रिचुअल्स में लगा रहता हूँ, सामाजिक प्रश्नों के सॉल्यूशन में लगा रहता हूँ, अभी आप अध्यात्म की बात करोगे अगर वो थिंकर नहीं होगा तो वो क्या कहेगा, दिस इज इनफ फॉर मी। तो इनको हिलाने की जरूरत नहीं है। जो विचारक है कि जो कुछ मिला वो तो सही है मगर मेरे को और आगे जानने की जिज्ञासा है, उनके लिए वेलकम है, नॉट फॉर ऑल। स्वामी जी यहाँ यहाँ क्वांटिटी की कोई वैल्यू नहीं, क्वालिटी की है, चाहे 5 क्यों ना हो, कितने मगर जिज्ञासु होने चाहिए, विचक्षण होने चाहिए, ओपन माइंड वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपन। वंस यू रिजर्व योर माइंड तो आपको ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। आपने जब आपकी विंडो ही बंद कर दिया, हाउ द साइंस कैन एंटर। तो आने वाले पे है ना स्वामी जी, अगर आप वही तो मैंने कहा चम्मच लेकर आओ कि कटोरा लेके आओ कि बाल्टी लेके आओ, आप वो लेकर आओगे उस हिसाब से लेकर जाओगे। नहीं, वो बराबर है, वो आपकी बात आपकी पात्रता के मुताबिक ही आपको मिलेगा, वो मैं स्वीकार करता हूँ। मगर मैं क्या कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास जो भी है वो इनफ है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो कहता है कि मेरे पास जो भी है उसे आगे भी जानने के लिए मैं तैयार हूँ, आई एम ओपन माइंड, देन वेलकम। जो रिजर्व हो गए, स्टक हो गए, इसको हलाने की जरूरत। Why आई एम वेस्टिंग माई टाइम? आप जब कहते हो कि ये जानना मेरे लिए जरूरी था जो मैंने जाना है और मैं फॉलो करता हूँ, इट इज मोर देन इनफ फॉर मी, तो why आई वेस्ट योर टाइम ऑफ यू एंड माई टू। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ही आगे का क्लास होता है, जो आगे पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए आगे का क्लास नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लास तो रहेगा, मेरे लिए नहीं है क्योंकि आफ्टर फिफ्थ मुझे लगता है कि मेरे को इनफ है। जब मेरे को लगता है कि फिफ्थ इज इनफ फॉर मी तो बाकी क्लास मेरे लिए नहीं है, भले होंगे मगर मेरे लिए नहीं। मगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को तो और आगे बढ़ना है, तो उनके लिए तो है। मगर जो नहीं है जिसके लिए वो कहता है आगे नहीं बढ़ना है तो क्या वो गलत है? इज ऑल्सो राइट एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग। तो इसको खींच के लाने की जरूरत नहीं, ये मैटर ऐसे नहीं है कि ज्यादा लोगों को लाओ, नहीं, थिंकर लोगों को लाओ। इट इज नॉट मैटर ऑफ क्वांटिटी। और अगर ज्यादा लोगों को लाओगे तो फिर वही बात, सामाजिक प्रश्न क्या होगा? या प्लीज प्लीज दादाजी के ज्ञान के बहुत सारे बार मैंने ये कपट वर्ड सुना है, कपट। तो मेरे को कपट की डेफिनेशन जाननी है
एंड व्हाट लाइक क्या पहले तो डेफिनेशन जाननी है और मेरे को एग्जांपल भी चाहिए गुड कि कपट कब होता है कब हम करते हैं और कपट जैसे कभी हम सोच अब ज्ञान लेने के बाद हम लोग सोचते हैं अरे ये कपट है अभी तो ज्ञान हमने ले लिया है बट फिर भी मेरे को डाउट है कि ये कपट में गिना जाता है कि कपट में नहीं गिना जाता तो मेरे को वो क्लेरिफाई करना है पहले मैं कपट की डेफिनेशन और एग्जांपल दूं और बाद में कपट क्या है वो भी बताऊंगा कपट का मतलब होता है वन काइंड ऑफ कर्टेन व्हाट एवर यू ट्राई टू एक्सप्रेस इट इट इज हाइड टेम्पररी बिकॉज ऑफ योर बेनिफिट एक चीज जो आप जानते हैं वो नहीं प्रेजेंट करते हो बिकॉज ऑफ योर बेनिफिट एग्जाम्पल देता हूं जैसे ये डीश है आप बेचते हैं आप 10 रुपये में बेचते हैं आपको मालूम है कि 5 रुपये में मिलती है क्या आप बताओगे उसको आप बताओगे ये वन काइंड ऑफ कपट है ऐसे वास्तविक जीवन का एग्जांपल दो ताकि आपको मालूम हो गए ये तो लो लेवल का एग्जांपल है कपट का मतलब होता है आप जो काम करवाना चाहते हो वो सामने वाले व्यक्ति को भी एक्सप्रेशन से मालूम नहीं होता है फिर भी आपका काम निकल जाता है एग्जाम्पल दू जैसे एक मिनट एग्जाम्पल दू जैसे भाई साहब जो काम करते हैं जहां भी काम करते हैं उनके कई फ्रेंड्स के यहाँ कोई बर्थडे पार्टी है और होटल में सेलिब्रेट करना है तो सबको इनवाइट किया आपको भी विद दोनों को इनवाइट किया आपने फोन कर दिया ऑफिस से कि भाई दोनों होते हैं ना तो वाइफ के सहेली का कोई फंक्शन था और वाइफ ने बोल दिया ऑफिस में कि भाई आप घर पे जल्दी आ जाओ खाना खाने के लिए बाहर जाना है पार्टी में हस्बैंड तो घर पे आ गया आ जाने के बाद बोला नहीं मेरे को नहीं जाना है मेरा मूड नहीं है क्या बताया मूड नहीं ठीक है वो भी जो भी संजोग उसके बने होंगे उसके मतलब उन्होंने उत्तर दे दिया कि मेरा मूड नहीं मैं नहीं आऊंगा आपको जाना है तो जाओ आप चले गए अभी आपको लगा कि ये मेरा इंसल्ट हो गया क्या हो गया मगर उसका आप वर्ड से उत्तर नहीं दोगे ये जो संजोग बना उसको आप हाइड करोगे स्टोर करोगे अंदर स्टोर करके रखोगे जब उनके हस्बैंड कहेंगे कि आज मेरे को बाहर जाना है खाने के लिए तैयार रहना कुछ खाना मत पकाना वो घर पे आएंगे तो फटाफट तैयार हो गए फिर वाइफ को कहा आपको तैयार नहीं होती है बोला नहीं मैं तो आपको आपके साथ आने वाली थी मगर मेरी पेट में गड़बड़ है क्या बताया इट्स अ एग्जांपल वन काइंड ऑफ उसका मतलब पेट में गड़बड़ नहीं है मगर जो उन्होंने सेव किया था और हाइड कर दिया था वो भी रीओपन किया मगर वो आपको मालूम नहीं है और उनका काम निकल गया कि जो बदला लेना था वो क्या हो गया इसको कहते हैं कपट सामने वाले व्यक्ति को भी मालूम नहीं होता है और काम निकल जाता है कर्टेन समझ में आया इसीलिए दादा भगवान ने कहा है कि लेडीजों को 2 हार्ट होता है और जेंट्स को 1 हार्ट होता है ये दादा भगवान की बात करता हूं मैं वो जो भी वो बोल देता है और लेडीज उसको सेव कर सकती है और टाइम पे उसको निकालती है वो स्टोरेज कर सकती है जेंट्स नहीं कर सकते वो बोल देते ऑन द स्पॉट बोल देते हैं एनीवे तो ये कपट की परिभाषा है और कपट जो है और कपट की परिभाषा और एग्जांपल और जो आज हम जो कपट कर रहे हैं वो रिजल्ट है कर्म का फल है वो एग्जाम नहीं है मगर कपट होने के बाद मैं जब इसको आनंद महसूस करता हूँ कि देखा मैंने कैसे किया उनको मालूम भी नहीं हुआ बस ये कॉज है समझ में आ गए जो कपट किया वो रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज बट वंस यू साइन इट ऐसा किया कि उसको मालूम भी नहीं हुआ और मेरा काम हो गया बस दैट इज द रिस्क फॉर यू so you are responsible because of your signature.
तो कपट किसको कहते हैं, कपट की परिभाषा क्या है, कपट का एग्जाम्पल, और आज जो कपट होता है वो भी मैंने बताया, और कपट चार्ज भी कैसे होता है वो भी मैंने बताया, बराबर है, ऑल एंगल्स बताए। अभी उसके बारे में और कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। तो ज्ञान लेने के बाद अभी जब हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि टीम में और जिसके साथ काम करते हैं कोई सर्कमस्टेंसेस में अगर कुछ सिचुएशन हैंडल करने के लिए वी आंसर इन अ डिफरेंट वे, जैसे बोला, जैसे महाभारत में बोला कि अश्वत्थामा मर गया राइट, एक्चुअली हाथी था बोला ऐसा कि अश्वत्थामा मर गया, हाथी का नाम था। हाँ, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सिचुएशन को अगर कोई हुआ, अभी मैं आ रहा हूँ, मैं लेट हो गया, तो मैं बोलूंगा कि यू नो मैं आंसर कुछ बदल के दूंगा, तो वो कपट है। ज्ञान के बाद अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो कपट है कि क्या? ऐसा आप जो है वो नहीं बताते हैं, वो कपट तो है मगर वो निकलता हुआ कपट है। क्या है? डिस्चार्ज फॉर्म ऑफ कपट, मगर अंदर होना चाहिए कि ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, चाहे भले अभी बोलना पड़े क्योंकि वो तो रिजल्ट है, रिजल्ट में इट्स अ कंपलसरी, नो चॉइस, मगर हम एग्जाम तो सही दे सकते हैं ना। इस प्रकार की हमने पिछले वर्ष में एग्जाम दिया तभी तो परिस्थिति आई ना रिजल्ट के फॉर्म में, अभी एग्जाम को चेंज कर दो, रिजल्ट को तो नहीं बदल सकते, बदल सकते नहीं, मगर एग्जाम तो बदल सकते हैं ना। तो अंदर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ऐसे कपट वाली प्रकृति या परिस्थिति मेरे को प्राप्त न हो, क्योंकि ये मेरे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं। तो यू चेंज योर विजन, यू चेंज योर इंटेंशन, बट नेवर चेंज योर एक्शन। आप इसको बदल सकते हैं इंटेंशन को, एक्शन को नहीं बदल सकते। अभी वन मोर क्वेश्चन, कि ऐसी सिचुएशन अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो क्या होता है कि अगर आपका लीड आपको कोई क्वेश्चन करता है तो अभी क्या होता है कि टू अवॉइड कपट हमें सच बोलना चाहिए, राइट? तो अभी सच बोलने से वो सिचुएशन ज्यादा बिगड़ जाती है, समझ गया? अभी भाव ज्ञान लेने के बाद ऐसा है कि सभी कुछ सिचुएशन आराम से खत्म हो जाए, ज्यादा कुछ यू नो ऐसा ना हो, सबका मन और भाव हमारा ऐसा होता है कि उनका भी, क्योंकि क्या होता है कि लीड को भी उसके ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर डायरेक्टर है, अगर मैं सच्चा आंसर दे देता हूँ तो क्या होता है मेरी हैबिट ऐसे के सच्चा दे देता हूँ, बट उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने बोला था फिर भी आपने किया नहीं, और हमारे टीम मेंबर ऐसे हैं हाँ बोल देते हैं, तो वो हमेशा लीड को अच्छे लगते हैं, देखो ये तो काम करता है, इसने किया है। अभी हमारा क्या होता है 10 में से 5-8 बार करते हैं, 2 बार ऐसा हो जाता है कि नहीं करते, 10 बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो हम लोग बोल अभी कुछ देखता हूँ कि टीम मेंबर बोल देते हैं टू अवॉइड यू नो क्वेश्चन, मेरा हो गया ऐसा, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंफ्लिक्ट होता है और ज्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती है, बोले कि यार मैंने तेरे को कितनी बार बोला ये काम तो करना ही था, बट क्या होता है कि एक काम होने से 10 काम आ जाते हैं, बोलते ऐसे भी करो वैसे भी करो ऊपर से करो नीचे से करो ऑप्शन, हाँ, और विकल्प बहुत होते हैं, ट्राई करता हूँ कि पूरी तरह से काम करे, और ऐसी प्रायोरिटी की वजह से अभी थोड़ा नाइकी में टिका हुआ हूँ जॉब मेरी, बट ऐसा हो जाता है कि मेरे को कपट नहीं करना है, मैं आंसर दे देता हूँ, बट ये उसके साइड इफेक्ट बहुत हो जाते हैं, क्योंकि उसको भी उसके ऊपर लीड को आंसर मैनेजर को आंसर समझ गया, मैं समझ गया। तो वो अभी आपने बोला कि भाव ऐसे करे कि सिचुएशन ही ना आए, यही सॉल्यूशन है, क्योंकि आप आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है, आपका वर्तमान स्वभाव है और आपका वर्तमान जो हिसाब है जिन व्यक्ति का, उनको आप नहीं बदल सकते, वो तो वही उकलेगा और वही आप बोलोगे और वही आप एक्ट करोगे, बिकॉज इट इज अ रेडीमेड पार्ट, उनमें परिवर्तन करने की क्षमता न राम में थी, न कृष्ण में थी, न महावीर में थी, वर्तमान को बदलने की क्षमता किसी में नहीं है, मगर अपने भविष्य को बदलने की क्षमता है भाव से, क्रिया से, क्रिया एक्शन वो प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट को हम नहीं बदल सकते, फ्यूचर को बदल सकते हैं, कैसे, आज नई एग्जाम करेक्ट करके,
तो स्वामी जी मैं इसी की ये जो बोल रहा है रवि, तो मेरे साथ भी ऐसा होता ही है क्योंकि काम है तो ये सब चीज तो सबके साथ ऐसा होता है, नॉर्मल है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ, सवाल मेरा भी उसमें है। तो जब ऐसी चीजें होती है जो अक्सर होती रहती है, पूछता है मैनेजर कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब परिस्थितियां आती रहती है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती है, मेरा तो क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो ब्रेन ही कपट है मन का, तो मैं तो बोल देता हूँ हो गया या हो रहा है, और मुझे तो कोई दूसरा विचार भी नहीं आता है बोलते समय, और जब समय आता है तब तक हो भी जाता है। पर मेरी जो मन में इच्छा रहती है ज्ञान में, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं, ये सब चीजों से ये तो फंस गया हूँ इस दुनिया में और ये सब काम करना पड़ रहा है, इसलिए ये सब तो दुनिया का सिद्धांत चल रहा है। पर अपने मन में है कि कुछ भी नहीं चाहिए, ना ये काम चाहिए, ना ये पैसा चाहिए, ना इसे जो आ रहा है चाहिए, अपने को आत्मा में रहना है। तो क्या ये सही तरीका है कि, क्योंकि कपट नहीं रुक रहा है इसमें जो हो रहा है मेरे साथ, कपट नहीं रुक रहा है, मतलब जो काम में पूछा जाता है तो आदत के अनुसार मैं तो बता देता हूँ कि हाँ चल रहा है। तो एक तरह से झूठ भी हुआ, क्योंकि अक्सर क्या होता है काम तो मैंने शुरू भी नहीं किया होता, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि काम तो शुरू भी नहीं किया। पर जैसे ये कह रहा है कि अगर मैं बोल दूंगा शुरू नहीं किया है तो फालतू 10 सवाल और 10 चीज और 10 झंझट आएंगे और निकलना कुछ नहीं है उससे, तो मैं अक्सर कपट का सहारा लेता हूँ उसमें, क्योंकि वो मेरी वैसी ट्रेनिंग रही है काम के विषय में, कि जो वर्क में है ना, क्योंकि वो जो मैंने वर्क से जो अंडरस्टैंडिंग पाई है मुझे ये ठीक लगा है। पर मैं जब से ज्ञान है तब से भाव ये है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, ना मुझे ऐसा काम करना है आगे, ना मुझे ऐसी परिस्थिति में रहना है। तो क्या ये उचित है कि मुझे कुछ और भाव लाना चाहिए? तो कहने का मतलब क्या है, आपने जो डिस्क्राइब किया है, आंसर इज टू सिंपल। आपने जो कुछ भी डिस्क्राइब किया है उसमें आप सिंपल बात से समझो, योर डिस्क्रिप्शन इज डिपेंडेड ऑन सरकमस्टेंसेस, एम आई राइट और रॉन्ग? और जो सरकमस्टेंसेस है वो बट नेचर है, क्रिएटेड बाय द नेचर एज पर द नेचुरल लॉ, एंड नेचुरल लॉ व्हाई दे क्रिएट द सरकमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। सो होल साइंस, अभी जो साइंस है उनमें से आज जो परिस्थिति आप सफरिंग कर रहे हैं या तो पास थ्रू हो रहे हैं, क्या यू एवर इंटरेस्टेड टू रिपीट वंस अगेन, चेंज योर इंटेंशन? चेंज मुझे तो पूरा ड्रामा लगता है करते समय। ये जो परिस्थिति आज है इनको आप नहीं बदल सकते, स्पीच के फॉर्म में, एक्शन के फॉर्म में, थॉट के फॉर्म में और अवस्था के फॉर्म में आप नहीं बदल सकते, इंटेंशन के फॉर्म में, भाव के फॉर्म में बदल सकते हैं। You have a power. पर इसको बदलने जाओगे, you are fail. पर मेरा ये सवाल है कि मैं तो मेरा भाव में भी बदलने की इच्छा नहीं आती है, मेरे भाव में इच्छा आती है कि तो ड्रामा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये नहीं कि मुझे सरल सीधा होना है, मुझे तो इच्छा, मतलब ये पूरा चीज जो काम है ना मेरा, ऐसे तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ पर मुझे पूरा ड्रामा ही लगता है। तो मुझे जो इच्छा बेस में रहती है हमेशा रहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया से, वो करते समय भी, तो मैं ये उसको गलत भी नहीं मानता हूँ। जैसे जब कपट हो भी रहा होता है ना, मैं इसको ड्रामा जैसे ही देखता हूँ और मैं उसको गलत और सही भाव से भी नहीं देखता हूँ। कि अगर आप मुझे तब पूछो कि क्या ये गलत कर रहे हो अनिरुद्ध, तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है तो ड्रामा ही है, मुझे सबसे कुछ से गलत और सही वो दोनों रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स, और तमाम प्रकार के रिलेटिव टर्म से मुक्त होना वो वास्तव में नेचुरल ज्ञान है। हाँ, तो बस मुझे वैसा ही लगता है कि मुझे तो सिर्फ आत्मा में रहना है। कभी क्या होता है, स्टेप समझते हैं ना, कोई कहता है कि मेरी प्रकृति जो ऐसी है, ऐसी प्रकृति मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ आप साइन नहीं करो, ऐसा नहीं कहता हूँ, कौन से साइन करो, यू गॉट इट? जैसे आप गुस्सा करते हो, मैं कहूंगा गुस्सा आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कोई बात नहीं, चेंज योर विजन, चेंज योर इंटेंशन, मेरी प्रकृति ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहता कि मैं मेरी शांत प्रकृति चाहिए, वो भाव करो, मैंने बताया। बहुत साल पहले मेरे ऐसे भी होता था, जब मेरी ऐसी इच्छा होती थी कि जो चीजें मुझे पसंद नहीं आती थी, मैं बोलता था ये हो रहा है मुझसे पर मुझे ऐसा करना नहीं है, पर अब वैसा नहीं होता, अब होता है जो हो रहा है होने दो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, चाहे जो भी हो रहा है, अगर मैं किसी को कुछ अच्छा बोल रहा हूँ उससे भी मुझे मतलब नहीं लगता, किसी का अगर मुझसे बुरा निकल रहा है उससे भी मुझे मतलब नहीं।
तो अब मेरी वो बदलने की इच्छा रहती नहीं है कि प्रकृति बदले। तो क्या रहता है? बस प्रकृति निकल जाए। मगर प्रकृति निकल जाए, एक प्रकृति है। आप कौन से स्टेटस में रहते हो? ताकि हम कहेंगे हमें में से निकल जाए। तो आप कौन से स्टेटस में रहते हो? मुझे सिर्फ लगता है हमेशा कि मैं आत्मा ही हूँ और मुझे ये सब चीज ड्रामा है। ये जो ड्रामा खत्म होगा खत्म हो जाए, मुझे इसमें बदलाव नहीं लाना। बस बस बराबर है। योर सेंटर पॉइंट इज सोल, तो देयर इज नो क्वेश्चन, यू आर ऑन राइट ट्रैक। क्योंकि पहले पाप पुण्य के हिसाब से सोचता था बहुत साल पहले कि भाई नहीं ये गलत हो रहा है मुझसे, मुझे गलत नहीं करना है। अब मुझे वो गलत सही निकल गया है। अब मुझे गलत और सही दोनों बराबर से लगते हैं। तो मन में वो भाव नहीं आता है कि ये गलत हो रहा है, इसको बदलो, इसको अच्छा करो। जैसे कपट हुआ तो होने दो, मतलब मैं उसे बुरा भी नहीं मानता और ना उसे अच्छा मानता हूँ। राइट। तो पर वो रहने देता हूँ, मन में भाव वो बदलता ही नहीं। मतलब जो है निकलने दो, ये तो रिलेटिव का ड्रामा है, होने दो। या यू हैव एनी क्वेश्चन? तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये फाइल का निकाल नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमारी लीड और हमारा मैनेजर हैप्पी नहीं होता है हमसे, क्योंकि हम लोग सच बोल देते हैं, क्लियर बोल देते हैं। या तो भाव अंदर ऐसा होता है कि ये फाइल संभव से खत्म हो जाए, बट नेचर ऐसा है, दादाजी का ज्ञान लिया है तो सच बोल देता हूँ। बट ऐसा होता है कि मन में वो रह जाता है कि ये फाइल का अभी तक निकाल नहीं हुआ है, तो वो भाव करता रहता हूँ। बट वो कपट हम कभी कभी दे देता हूँ आंसर, दो पांच में से दो बार बोल देता हूँ, फिर तीन बार तो वो सच बोल ही देता हूँ। बट फिर ऐसा हो जाता है कि ये फाइल का निकाल नहीं हुआ है, ऐसा हो जाता है। बट अभी तो क्या होता है कि भाव ऐसा हमेशा रखता हूँ कि ये फाइल का निकाल हो अच्छे से संभव से, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कपट तो हो ही जाता है। मैं समझ गया। देखो, हम जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के बाद जो आज्ञा देते हैं, फाइलों का संभाव से निपटारा करना, वो हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। और आप नहीं, जिन्होंने 40-45 साल पहले ज्ञान लिया है वो भी समझ नहीं पाए। एंड यू सी ऑन हिज एक्सप्रेशन, आप समझे ना, वो समझ पाए कि नहीं पाए, वो एक्सप्रेशन से मालूम हो जाता है कि वो समझ पाया है कि नहीं पाया है। फाइलों का संभाव से निपटारा करना, इट इज नॉट कनेक्टेड विद एक्शन एंड स्पीच। फाइलों का संभाव से निपटारा करना, इट इज नॉट कनेक्टेड विद एक्शन एंड स्पीच, इट इज मैटर ऑफ इंटेंशन। और हम इसको एक्शन में ले गए, स्पीच और एक्शन में ले गए, तो अगलत ज्ञान हो गया। हम हर रोज चरण विधि पढ़ते हैं तो बोलते हैं मन वचन काया पर और पराधीन है, तो क्या हम उसको चलाने के लिए हमारे पास फ्रीडम है एक्शन के फॉर्म में या स्पीच के फॉर्म में है? तो क्या हम उसी फॉर्म में बदलाव ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो क्या दादा भगवान ने संभाव से निपटारा करने का मतलब ये कहा होगा जहां हम नहीं कर सकते वो कहा होगा, कि जहां हम कर सकते वहां कहा होगा? तो कर सकते हैं, वो भाव है, इंटेंशन है। और इसीलिए मैं साफ बोल देता हूं, निकाल मन वचन काया का व्यवस्थित शक्ति करती है एज पर अवर प्रीवियस वर्कर्स। दूसरी बार, मन वचन काया का निकाल व्यवस्थित शक्ति करती है एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। उसमें संभाव रखना, उसी का नाम है संभावित निकाल। निकाल कैसे करना वो आपके पास या किसी के पास फ्रीडम नहीं है। एग्जांपल दो। निकाल का मतलब होता है मैं अपनी सोच से, अपनी स्पीच से, अपने एक्शन से अपना व्यवहार को बदल नहीं सकता हूँ, मगर अपने आशय को बदल सकता हूँ, भाव को बदल सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं किसी के साथ बात करता हूँ तो जो कहना चाहता हूँ वो नहीं कह सकता हूँ कभी कभी, यानी कपट के फॉर्म ने आपने बताया, मगर
क्या बोलने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है, वर्तन करने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है, तो उसी फॉर्म में तो दादा ने पुरुषार्थ नहीं कहा होगा ना, संभाव्य निकाल का, जहां हमारी फ्रीडम नहीं है क्या वहां पुरुषार्थ हो सकता है? एट दिस एरिया हो सकता है? नहीं। जहां हमारी फ्रीडम है वहां तो पुरुषार्थ होगा ना। तब कहा हम भाव बदल सकते हैं, इंटेंशन बदल सकते हैं, स्पीच थॉट और एक्शन नहीं बदल सकते। तो संभाव्य निकाल का मतलब वहां दो पार्ट है, निकाल व्यवस्थित शक्ति, संभाव पुरुषार्थ। समझ में आया कि नहीं? संभाव वो पुरुषार्थ में गया और निकाल व्यवस्थित शक्ति में। तो निकाल के समय संभाव रहा उसका नाम संभावे निकाल। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि निकाल हमको करना है वो आता नहीं है, मगर जब हमको निकाल करना है तो विज्ञान एक्शन में आ गया, सिद्धांत श्रद्धा में आ गया, फिर डुअरशिप आ गई। क्या आ गई? तो विज्ञान चला गया, फिर व्यवहार रहा। व्यवहार नहीं कहते ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा ही बोलो, व्यवहारिक ज्ञान आ गया। क्या गया? विज्ञान चला गया। विज्ञान का मतलब होता है एज इट इज, जहां आपकी फ्रीडम है वहां पुरुषार्थ है, जहां आप परतंत्र है वहां परिणाम है। तो परिणाम के भाग में पुरुषार्थ नहीं हो सकता, और परिणाम के भाग में ही पुरुषार्थ मानना उसका नाम है अज्ञानता, और वो अज्ञानता के साथ हम विज्ञान की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो स्वामी जी इसमें नहीं समझ में आया, क्लैरिफाई और अप्रोक्सीमेट एडजस्टमेंट में आया? मैं समझ की बात करता हूँ, भले प्रैक्टिकल में थोड़े समय के बाद आएगा, मगर अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हो गए कि कौन सा पार्ट पुरुषार्थ का है और कौन सा पार्ट परिणाम का है। जहाँ परिणाम का पार्ट है वहाँ हमारी कुछ नहीं चलती है, नहीं तो ये राम की सीता रावण नहीं ले गए होते। तो अगर ऐसा समझेंगे तो ये खेद नहीं रहेगा, राइट? खेद नहीं रहेगा। एक महात्मा ने मेरे को प्रश्न किया कि स्वामी जी हम कितनी बार प्रतिक्रमण करें और कब तक करें? क्या कहा? कितनी बार प्रतिक्रमण करें और कब तक करें? ये दो प्रश्न किए। तब मैंने कहा जहां तक आप मन वचन काया को चलाने वाले हैं ऐसा मानते हो तब तक करना ही पड़ेगा। जब आप मन वचन काया है नहीं और इसको चलाने वाले नहीं है, ऐसा आपके पास लाइव विजन है तो प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण ही नहीं करते। तो ये विज्ञान है, और जब विज्ञान श्रद्धा में आ जाता है तो डोरशिप आ जाती है, और डोरशिप को पुरुषार्थ मानते हैं। साइंस का मतलब होता है सेपरेशन, और श्रद्धा का मतलब होता है डोरशिप। डोरशिप में कुछ करना होता है, कुछ छोड़ना होता है। साइंस के अंदर सिर्फ सेपरेशन, उसमें न करना है न करना है, जो होता है उससे क्या हो जाओ। फिर डोरशिप ही नहीं है तो फिर प्रतिक्रमण न है न सामायिक है। अलग रहते हैं वो ही सामायिक है। क्या बताया? फिर सामायिक की भी जरूरत नहीं है और प्रतिक्रमण की भी जरूरत नहीं। जहां तक हमारी जितनी कमजोरियां है इतना रिचुअल्स ज्यादा, 100% साइंस है, कोई कमजोरी नहीं है, मीन अनुभव के ज्ञान में, तो कोई पुरुषार्थ नहीं। अलग रहे वही पुरुषार्थ। लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गया। उस समय वो ऐसा नहीं करता था, तीर लगाया वो मर गया, फिर प्रतिक्रमण फिर तीर लगाया, ऐसा करता था सेपरेशन। वो जो विज्ञान समझ में नहीं आया तो डूअरशिप, यू हैव टू डू, गलत किया प्रतिक्रमण, गलत किया प्रतिक्रमण, क्योंकि यू आर डूअर, देन यू हैव टू डू। नहीं समझ में आया? That's it. जब आपके पास doership है, you have to do. जब मैंने गलत किया, it means मेरे को पश्चाताप करना है। जब मन वचन काया ही कुदरती रचना है, और मैं कुदरती रचना से मुक्त हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा वो कुदरती रचना नहीं है, मैं शाश्वत हूँ। मेरे को बनाने और चलाने वाला कोई नहीं है, तो क्यों मेरे को, जब अतिक्रमण ही नहीं करता हूँ तो क्यों प्रतिक्रमण? मगर जब
प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर मैं करता हूं वो ज्ञान है, वहां तक प्रतिक्रमण की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है मैं प्रतिक्रमण करने वालों का विरोधी हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर आपके अंदर डुअलिटी है तो आपको प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द पुरुषार्थ फॉर यू। आप समझे, डिपेंड आपके पास विजन क्या है, इसलिए ये करो ये ना करो ये सब्जेक्ट नहीं है। आपके पास जो अभी विजन है उसके मुताबिक आपका पुरुषार्थ रहेगा, समझ में आया ना। इसलिए कोई कहता है मैं प्रतिक्रमण करता हूं तो गलत नहीं है, जब उसके पास अंडरस्टैंडिंग यही है तो वो तो वही करेगा, उसमें उसकी गलती नहीं है। इसलिए मैंने कहा साइंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, क्या बताया, और वो आज्ञा से भी बियॉन्ड है। क्या है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द फाइव आज्ञा, क्योंकि फाइव आज्ञा से भी पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, जो आप्तवाणी में लिखा है। हमने तो कानों से सुना है मगर आपके लिए आप्तवाणी में लिखा है कि पांच आज्ञा का पालन वही ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन है, वो आपका मूल स्वरूप नहीं है, उसका आपको फल मिलेगा यानी क्रेडिट मिलेगी, पुण्यानुबंधी पुण्य उसके भी भुगतान आएगी, मगर वो भुगतान आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की प्राप्ति रहेगी, मगर पुरुषार्थ का रिजल्ट आएगा ही। और उसके ऊपर क्या है, साइंस है, साइंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जो ज्ञानी पुरुष को खुद को अनुभव हुआ था, उनको जब अनुभव हुआ ज्ञानी पुरुष को आज्ञा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, जो रिचुअल समाज फॉलो करते वो अनुभव नहीं हुआ था, मगर बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सन वो नैमित्तिक रूप से उन्होंने सब कुछ साधन दिए। साधन इज नॉट अल्टीमेट ट्रूथ, साधन इज इंडिविजुअल ट्रूथ एज पर योर कैपेबिलिटी, इट इज नॉट फॉर ऑल। दवा की दुकान में मेडिसिन सब सही है, am I right or wrong? मगर मेरे को कोई डिसीज नहीं है तो मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है, am I right or wrong? मगर जो डिसीज है उनके लिए वो उसका मतलब मैं ये पूर्ण नहीं करता हूं कि मेडिसिन गलत है। आपको समझ में आया, मेडिसिन कभी गलत नहीं होती है फॉर डिसीज पर्सन। मेरे को कोई डिसीज नहीं है, मेरे को कोई काम की नहीं है, तो क्या मैं गलत कर रहा हूं, मैं क्या दवा का अपमान कर रहा हूं, डॉक्टर का अपमान कर रहा हूं, नहीं, समझ में आया ना। ये साइंस को ब्रॉड विजन से समझो, छोटे विजन से मत समझो, वेरी यूनिवर्सल विजन है। आप इसको छोटा बनाओगे ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। सी विद ब्रॉड विजन, आप समझे ना, कि सबके लिए एक है साइंस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबके लिए एक नहीं है, मगर यूनिवर्सल ट्रूथ तो एक ही है। अगर आपको मोक्ष में या मुक्ति के मार्ग में जाना है और अनुभव करना है सनातन सत्य का, तो आपको एक दिन ये विज्ञान समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो आपकी प्रगति नहीं है डेवलपमेंट के फॉर्म में। शायद अच्छी रिचुअल से आपको पुण्य बनेगा, क्या बनेगा, ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ तो साइंस से होगा और रिचुअल से पाप और पुण्य होता है, वो रहेगा। आपको कोई भी धार्मिक परंपरा फॉलो करोगे तो आपको क्रेडिट तो मिलेगी, बिकॉज ये अच्छी बात है ना, नथिंग बैड, पर उसे ग्रोथ नहीं होगा। मैं बहुत पुण्य करूंगा, लाखों लोगों को खाना पीना सब कुछ दूंगा, तो मैं देवलोक में जाऊंगा और पुण्य एनकेस करके फिर जीरो, क्योंकि ये तो क्रेडिट थी ना, दैट इज नॉट माई डेवलपमेंट। पर मेरा डेवलपमेंट हो गया है हाई लेवल का और बाद में मैं नर्क में गया, फिर भी नेक्स्ट बर्थ में मोक्ष में जा सकता हूं बिकॉज ऑफ माई डेवलपमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ माई क्रेडिट। ये समझना है, इसी इट्स रिक्वायर्ड द वेरी ओपननेस। डेवलपमेंट डिफरेंट चीज है और पाप पुण्य डिफरेंट चीज है। पाप पुण्य सिर्फ एनकेस करने के लिए, डेवलपमेंट कभी एनकेस नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ। और डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, स्टेबल होता है या तो प्लस होता है, कभी माइनस नहीं होता है। मैं मनुष्य भाव में आके जो मेरा डेवलपमेंट है
लाइक 250 डिग्रीज और मैं नर्क गति में गया, फिर यहाँ वापिस आया, तो स्टार्ट फ्रॉम द 250 नॉट फ्रॉम द जीरो। डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, पाप पुण्य खत्म होता है, डेवलपमेंट खत्म नहीं होता है, ऑलवेज स्टेबल देन अप इन अ ह्यूमन लाइफ। मगर माइनस 250 से भी 200 नहीं होता है। पाप पुण्य के आधार से आप नर्क गति, देवलोक, मनुष्य गति, पशु योनि जा सकते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो पाप पुण्य है। तो पाप पुण्य का फल अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज। ये सब बातें एग्जैक्ट फॉर्म में आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको साइंस समझना है तो ये सब बातें गोल गोल समझोगे तब कुछ समझ में नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन, तो अंदर की अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं ज्ञान फॉलो कर रहा हूं, ये आपने जैसे बताया, तो मेरा तो निकाल हो गया बट फिर भी अदर पर्सन उसको वो है कि नहीं, उसके तो क्लेम रहते हैं, फिर तो वो तो अभी मेरा तो सॉल्व हो गया बट अगेन वो पेंडिंग है, इसको क्या समझ सकते? आपका कहने का मतलब ये है कि राम ने रावण की ईर्ष्या किया तो रावण का क्लेम हो गया, इसलिए राम का मोक्ष नहीं होगा, यही प्रश्न है ना? हाँ। राम का मोक्ष हो गया, अर्जुन का भी हो गया। अच्छा, ये भी शास्त्र प्रमाण है, मेरा प्रमाण नहीं है। जैन रामायण, जैन राम महाभारत में दोनों मोक्ष में गए। वंस अगेन द सेम प्रिंसिपल, इफ यू आर ओनर एंड डूअर ऑफ योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन, यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, बट यू आर सेपरेट फ्रॉम योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन, यू नेवर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द साइंस। बट ऐसा फॉलो करके मैं सामने वालों को इग्नोर, यू हैव नो पावर टू डू इंडिपेंडेंटली इन योर लाइफ थ्रू योर माइंड। मतलब डूअरशिप है, अगर ये बात भी कही जा रही है, तो लॉ नहीं समझते हैं ना? जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो लॉ, यू फॉलो द लॉ, देयर इज नो क्वेश्चन। आप लॉ को अभी तक सेट नहीं कर पाए, सो द क्वेश्चन इज देयर। वंस यू फॉलो द लॉ, नो क्वेश्चन एट ऑल, सफरिंग इज देयर बट क्वेश्चन इज नॉट देयर। रामकृष्ण मार्ग को सफरिंग था, नो क्वेश्चन नो पजल, एम आई राइट और नो? सफरिंग तो था कि नहीं, मगर पजल, बिकॉज ऑफ दे नो द साइंस, इफ बट एंड व्हाई, नो क्वेश्चन, ही नोज बिकॉज ऑफ माय कर्म, नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन। व्हाई आई एम सफरिंग? बिकॉज ऑफ माय कर्म। पर्सन इज ओनली इंस्ट्रूमेंटल, बट व्हेन माय विजन इज द पर्सन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन, द क्वेश्चन इज देयर। मैं राइट और रॉन्ग? आप कहोगे मेरे हिसाब से सामने वाले व्यक्ति को यह झूठ बोलना पड़ा, सफरिंग करना पड़ा, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। हो, इफ यू आर ओनर ऑफ योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑलवेज, बिकॉज अगर खुद करता है तो दूसरे करता बन जाते हैं, और खुद करता है रिस्पॉन्सिबल भी है। जब आप डूअर है तो रिस्पॉन्सिबल तो है ही ना, वही वो तो साइंस है ना। सेपरेशन से यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, डूअरशिप से, ओनरशिप से, अटैचमेंट से, यू आर रिस्पॉन्सिबल। એટલે આઈથી રવિભાઈ એમ કહેવા માંગે છે કે જ્યારે આપણે એમ વિચાર કરીએ છીએ કે આ વાણી ને એ બધું છે એ નિકાલી જ હોય, મારા મનોજની જ વાત કરીએ તો હું કશું કહેતી હોય, હું મારા અંદર સંભાવ રાખીને કહું છું કે આ નિકાલી છે, મન વચન કાયા, સમજી ગયો, પણ માન મનોજ ને હર્ટ થાય છે ફીલિંગ, તો એનો ક્લેમ બાકી રહે કે નહીં મારા ઉપર? આઈ થિંક એક પ્રશ્ન મેં કીધું ને, હું એટલે આપણે ફ્રી અર્જુને લાખો લોકોને માર્યામાં નિમિત્ત બન્યો, એના જો ક્લેમ લાગતા હોય તો અર્જુન ને તો મોક્ષે જાત ને ગયા એ શું પ્રૂવ કરે છે? એટલે ક્લેમ નથી દેતા સામે વાળા, હું તમને એક્ઝામ્પલ તો આપું છું ને, તે બધા શું કહો? ના ના, મેં સમજણ એટલે નહીં આવતું, કે સમજણ નથી આવતું, તો સમજણ પાડતા કે ના રે, આ એક્ઝામ્પલ મને બતાવો કઈ જગ્યાએ ખોટો છે? ના ના, એ બરાબર છે, એટલે ના सी वंस यू आस्क मी ए क्वेश्चन कि आपकी बात जो बताते हैं वो समझ में नहीं आती है, उसको प्रूव करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल ये साइंस के आधार से कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बताओ आप। तो रावण नहीं, ये बताओ राम का मोक्ष हो गया, दैट इज ट्रू, बट मेरे को ये जानना है कि रावण का क्लेम क्यों नहीं लगा? जैसे फाइल 2 का मेरे पे
अगर मैं मेरी एक्शंस मेरी अंदर की परिणति से तो मेरे को मैं फ्री हूँ बिकॉज आई नो आई एम नॉट अ डूअर और व्हाटएवर बट वो कंटिन्यूअसली ऐसा बोलती है और उसको क्लेम रहता है कि यार ये हमारा ऐसा चलता रहता है ये समझता नहीं है अभी भी मेरे को इग्नोर करता है क्योंकि मेरे को वो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट और आई एम गुड क्योंकि मैं तो ज्ञान है मेरे पास ज्ञान है मैं समझता हूँ बट ये मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं अभी ये भी मेरा पेंडिंग है तो इज दैट ट्रू और व्हाट आई नीड टू डू विद दैट पार्ट देखो ज्ञान हमेशा वंस यू यूज एज अ सेल्फ इज इट इज टू बी कॉल्ड अ ज्ञान But gyan used as a all circumstances, it is called a science. जब फेवरेबल बात आती है तब साइंस की बात करोगे अनफेवरेबल बात आती है तब व्यवहार की बात करते हो इट इज नॉट टू बी कॉल्ड ए साइंस इट इज सेल्फिश मैन जब मैंने आपको चारा लगा दिया तब का व्यवस्थित है जब आपने मेरे को लगा दिया तो मैं कहता हूँ कि आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड ए साइंस इट्स ऑल और नथिंग वही है Science is applicable to all circumstances, not in one or two or some. All means all. आपके आधार से वाइफ को सफरिंग होता है वहां भी साइंस है वाइफ के आधार से आपको सफरिंग होता है वहां भी साइंस है मगर आप जब उनके पास से होता है तो आप यूटिलाइज नहीं करते हो जब आपके पास होता है उनको तो साइंस को बोलते हो दैट इज सेल्फिश साइंस वो अज्ञानता है अज्ञानता का मतलब होता है वन वे विथ योर फिजिकल बेनिफिट यूज और साइंस का मतलब होता है एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टेंसेस विद ऑल पर्संस इन ऑल एविडेंस नॉट फॉर सम टाइम्स तो क्वेश्चन इज दैट कि अभी ये पार्ट को कैसे हैंडल करें और क्या भाव रखें दैट इज द क्वेश्चन कि मैं अंदर की परिणति और अंदर से भाव साइंस आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट ये जो क्लेम है तो वो मेरे को आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट क्लेम और आई थिंक That I'm free. Once again, you think about the law of nature. Are you your mind, speech, and action is dependent or independent? Dependent. I'm not talking about mind, speech, and body. Then? What is my intention? मेरे को क्या? How do I need to worry about to handle this thing? Part or no? क्योंकि I don't have that. Once again, you know the law of nature. आप मन वचन का है कि कोई भी अवस्था के मालिक या करने वाले चलाने वाले हैं नहीं वो तो पता चल गया फिर वरिष क्यों तो उसके बारे में क्यों सोचना जो निकलेगा करेक्ट निकलेगा जो एक्शन होगा करेक्ट होगा नहीं फिर वरिष क्यों बट उससे जो सामने वाले को हर्ट हो रहा है उससे वो अभी क्या लेना देना वही तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ ना वो पार्ट को नहीं 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 आप इग्नोर नहीं कर रहे हो आप एग्जिट कर रहे हो आप जीरो या हंड्रेड करो बीच वाला नहीं अपने फायदे पे ज्ञान मत बताओ और Uniformly behave irrespective. तो करेक्ट हो आप नहीं वो मेरे हिसाब से तो करेक्ट है आई एम करेक्ट बट वो क्लेम तो अभी भी है ना फाइल टू का क्लेम है कि भाई अभी आपने एक मिनट लिसन माई पॉइंट मेरे पास ईर्ष्या भाव लेके आया हूँ क्या है और आपके पास ज्ञान है इसी अभाव से तुम्हारी और मेरी मोटल बगल बगल में है और जहां तक आपके पास कस्टमर जाते हैं तो मैं ईर्ष्या करता हूं और ईर्ष्या से मेरे को कर्म बनता है यू आर रिस्पॉन्सिबल बट यू आर द इंस्ट्रूमेंटल देयर आप हो सकता है कैन यू जस्ट मिनट कैन यू आस्क मी द क्वेश्चन बिकॉज ऑफ यू मैं ईर्ष्या करता हूं और कर्मचारी भी करता हूं आप नहीं है तो ईर्ष्या भी नहीं करूंगा कर्मचारी भी नहीं होंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल मेरी अज्ञानता रिस्पॉन्सिबल है बताओ बट इन दैट केस मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसको ईर्ष्या नहीं मगर आपके हिसाब से ये हुआ तो सही नहीं है नहीं बराबर है मेरे हिसाब से हो रहा है बट अगर कल जाके बाजू के घर में चोरी हुई है ओके मेरे को जब तक पता नहीं है मैं नहीं चिंता करूंगा बट यहाँ चिंता की बात नहीं है हाँ मैं यही कहता हूँ कि यहाँ भी जैसे एक केस में आप ऐसा लगता है आपको कि डायरेक्टली आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बराबर है ऐसे कोई भी केस में क्या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इफ यू आर ओनर ऑफ योर माइंड स्पीच एक्शन इफ यू आर डूअर ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस देन यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल परिस्थिति दोनों में एक ही है सिद्धांत के तौर पे भौतिक तौर पे अलग है
सिद्धांत के तौर पे एक ही है। यहां भी आपके पास फ्रीडम नहीं है, वहां भी फ्रीडम नहीं है। कोई भी परिस्थिति को क्रिएट करने के लिए ना आपके पास स्वतंत्रता है ना फ्रीडम है, ना खुद आप कर सकते हैं ना संजोग भी आप बना सकते हैं, चाहे वो उसी प्रकार का संजोग है चाहे इसी प्रकार का संजोग है। दोनों ही संजोग वो कुदरती रचना है, साइंटिफिक सरकमस्टेंशियल एविडेंस है। यानी कोई भी संजोग साइंटिफिक सरकमस्टेंशियल एविडेंस से बाहर नहीं है। फिर वो संजोग को हम किस प्रकार से देखें वो हमारी इंडिविजुअल विजन है। मैं अगर समझूंगा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं बिकॉज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम, यू आर ओनर ऑफ योर बॉडी, यू आर ओनर ऑफ योर एक्शन, सो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल, इट इज ट्रू। जब आपके विजन में सेपरेशन है तो आप जिम्मेदार नहीं है, सफरिंग है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सफरिंग चेंज नहीं होगा मगर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, बिकॉज नॉट यू आर ओनर एंड डूअर। पर ओनर ने डूअर है, यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, यू हैव ज्ञान और नॉट, बट द हैपन एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ एट दैट टाइम योर विजन इज आई एम डूअर, ऑलवेज यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम ओनर, ऑलवेज यू आर रिस्पॉन्सिबल, इट इज फैक्ट। जब आप मालिक है करता है जवाबदार है ही, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। आप हम कहते हैं 100% राइट है, विज्ञान क्या कहता है वो मैं कहता हूं, और व्यवहार सत्य क्या है वो आप जानते हैं। व्यवहार सत्य सब जानता है, साइंस नहीं जानते, और साइंस से मुक्ति है और व्यवहार सत्य से संसार है। व्यवहार सत्य सबके पास है, वो कोई नई बात है। मेरे गुस्सा करने से आपको दुख होता है, ये व्यवहार सत्य नहीं है, एक ही नई बात है। मगर मेरे गुस्से करने से आपको दुख होता है और ये गुस्सा करने वाला मैं हूं, ये जो मेरे पास अज्ञान है वहां तक तो 100% आई एम रिस्पॉन्सिबल। मगर जब मेरा विजन एट दैट टाइम जब संजोग बनता है तब सेपरेशन है कि माइंड स्पीच एंड एक्शन है वो कुदरती रचना है, और कुदरत ने कर्मों के फल स्वरूप ये संजोग बनाए हैं, तो उसके लिए मेरे को प्लस और माइनस की बात नहीं है। ओनली मेरा हिसाब है, चाहे मेरे को मिला वो भी हिसाब है और चला गया वो भी हिसाब है। यानी एट दैट टाइम इन माई विजन ओनली द वैल्यू ऑफ द साइंस इज देयर, बट वैल्यू ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड मटेरियल आर जीरो। सो उसमें पाने का खोने का कुछ नहीं रहा। मैंने ये सब बातें बिगनिंग में बोल दिया, मैंने कहा था ना बिगनिंग में, मतलब क्या होता है अभी आपने साइंस जाना है, अभी कब कैसे अप्लाई करना, इट विल टेक टाइम्स। ऐसा नहीं कि आज जान लिया और आज आपको अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो आप साइंस है आपके माइंड में हर समय यूज करते रहो, ये विजन है, ये वर्ड नहीं है। वर्ड तो एक्सपीरियंस के आधार से निकल जाता है, ये मैं जो बोलता हूं वो सेट करके नहीं बोलता हूं, क्या बताया अपने आप निकल जाता है, एज पर माई विजन एग्जाम्पल सब कुछ निकल जाता है। मैं आपके जैसे आप प्रश्न करोगे तुरंत उत्तर निकलता है, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय मी, इट इज ऑटोमोड सिस्टम, एज पर माई विजन द आंसर इज देयर, नीड्स कम आउट ऑटोमेटिकली बिकॉज माई विजन इज क्लियर। इफ माई विजन इज नॉट क्लियर देन माई आंसर इज ऑलवेज हैफेजेड। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट क्लियर, सो वॉट एवर आई टेल यू इज ऑलवेज इन अ कंफ्यूजन। मैंने जितने भी अभी उत्तर दिए उसमें कोई जगह मैंने कंफ्यूजन की बात बताई, क्लियर के क्लियर बताया, जो भी बात बताई मैंने जितने भी उसमें मैंने हैपेजर बताया कि एग्जर बताया कि साइंस के फॉर्म में ये है और श्रद्धा के फॉर्म में ये है, एक्सेप्ट गोल गोल नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं। जब आपके पास श्रद्धा का ज्ञान है, डोर्स का डोरशिप का ज्ञान है, तो आपको वही पुरुषार्थ करने पड़ेगा जो और लोग करते हैं। जब आपके पास विजन का साइंस का अंडरस्टैंडिंग है और साइंस का विजन धीरे धीरे लाइव हो गया इन योर प्रैक्टिकल लाइफ,
तो आपको वही साइंस आपको सेपरेशन में रखेगा, फिर डुअरशिप की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डुअर है ही नहीं। जब आप अतिक्रमण के डुअर है तो प्रतिक्रमण का डुअर आपको होना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? जब आप अतिक्रमण के डुअर है तो प्रतिक्रमण का डुअर होना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल थिंग। जब आप अतिक्रमण के डुअर नहीं है तो प्रतिक्रमण का डुअर होने की जरूरत नहीं, आप सेपरेट ही हो। मगर ये साइंस मैंने कहा ना स्वार्थी नहीं हो सकता हूं, मैंने बताया ना पहले। वंस यू यूज योर बेनिफिट ओनली तो वो अज्ञान है। एप्लीकेबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इट विल बी कॉल्ड अ साइंस, बट आप स्वार्थ के लिए यूज करोगे वो अज्ञान है। मैंने कहा ना, वो भी मैंने आपको भय स्थान दिखा दिया। जब आप ज्ञान को अपने बेनिफिट के लिए यूज करोगे वो अज्ञान है। इसको बोलते स्वार्थ बोलते हैं, कपट बोलते हैं। बुद्धि के आधार से आपने उपयोग किया फॉर योर बेनिफिट ओनली, नॉट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। और साइंस इसके लिए फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस। एक बार फिर कभी है कुछ कर सकते। क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मैं ऐसे कैसे समझ सकता हूँ कि ये मैंने ज्ञान से किया, और मैंने जैसे आप बोल रहे हो कि अगर आप डूअर नहीं हो तो यू डोंट नीड टू डू प्रतिक्रमण, राइट? तो हाउ कैन आई बिलीव दैट मैंने ये ज्ञान से किया तो मेरे को प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है? दैट इज माई क्वेश्चन। संजोग में आपका विजन क्या है, वो आपका लेवल है। जो कोई अपरिस्थिति पैदा हुई उसके उस समय आपका विजन क्या था, वो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जब विज्ञान होगा तो वही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जब व्यवहार होगा तो वही लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग है। इट इज नॉट मैटर ऑफ नॉलेज। विज्ञान का नॉलेज होते हुए भी परिस्थिति में जब आप व्यवहार का ज्ञान ही यूज करते हो तो आप व्यवहार में हो, और तभी तक तो आपको प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। साइंस का मतलब है प्रतिक्रमण को छोड़ना नहीं है। जहाँ तक आपके अंदर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज लो है, यू फॉलो एज पर द लो लेवल प्रसाद, बट कीप इन योर माइंड द अल्टीमेट ट्रुथ। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो। जहां तक उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, वहां तक तो आपको जो लेवल का जो पुरुषार्थ है, यू हैव टू फॉलो फॉर योर प्रोग्रेस। समझ में आया? मगर अंदर क्या रखो विजन में, अल्टीमेट ट्रूथ। मगर अभी ये अल्टीमेट ट्रूथ मेरे विजन में अभी एप्लीकेबल नहीं है, नॉलेज में है, विजन में नहीं। विजन का मतलब होता है प्रैक्टिकल, और नॉलेज का मतलब होता है बुद्धि। और बुद्धि अगर जहां तक होगी वहां तक सेल्फिश काम करेगी, मगर जब रियलाइजेशन हो जाएगा तो हर संजोग में वही साइंस रहेगा। इसीलिए जैसे संजोग बनता है अंदर हमारा विजन क्या है एट दैट टाइम, वो हमारा डेवलपमेंट है। उस समय डूअरशिप है तो प्रतिक्रमण की जरूरत है। क्या बताया? बोले नॉलेज आपका वो है, मगर लाइफ क्या है वो आपका स्टेटस है। समझ में आया? नॉलेज साइंस का वो चीज अलग है, और नॉलेज लाइव होना वो अलग है। लाइव का मतलब होता है रियलाइजेशन, नॉलेज का मतलब होता है रियलाइज नहीं हुआ। यहाँ पे दो पार्ट है, एक ज्ञान की बात है और एक व्यवहार है। तो ज्ञान से तो चलो हमने अंदर ये सोचा कि अरे मैं डूअर नहीं हूँ ये वो, बट अगर मेरा व्यवहार अगर मैं ऐसा रखूं तो फाइल टू को क्या होगा कि ये मेरे को केयर नहीं कर रहा है, तो जितना क्लेम था वो क्लेम बढ़ता जा रहा है। तो ज्ञान तो है मेरे पास बट इसको व्यवहार में कुछ करना पड़ेगा कि वही मैं कहता हूं ना कि आप हर बात को जब प्लेस करते हैं तो आप लॉ ऑफ नेचर को मिस कर रहे हो, जो मैंने पास्ट बोल दिए है। आपका हर सेंटेंस वो व्यवहार की दृष्टि से है, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो अगर ये जो अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंस, इसलिए मैंने कहा जहां तक हमारा अभी लेवल है, लाइव लेवल, लाइव नॉलेज की बात नहीं करता हूँ, लाइव लेवल है, उसी के मुताबिक हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। मगर लक्ष्य वो रहना चाहिए। अच्छा, कि हमको दिस वी वांट टू आई वांट टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रुथ, दैट्स इट। जैसे आज मैं पांचवी कक्षा में हूँ और मेरा 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 भाव है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, पर आज मैं पांचवी कक्षा में होने के नाते वही किताब पढ़ के मेरे को पास होना है,
मैं डॉक्टर की किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरा गोल होते हुए भी। इसीलिए वो गलत बात नहीं। जहाँ तक आपको फेल होता है कि ये मैंने किया, ये मेरी वाइफ को हुआ, उनका क्लेम है, वहाँ तक ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव टू डू द प्रतिक्रमण, दिस इज द करेक्ट वे। और गोल वो रखो कि हमको आखिर ये मनोवचन काया से सेपरेट होना है, वाइफ से नहीं, मनोवचन काया से। समझ में आया? गोल वो रखो, भले समय पे आएगा, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपका ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट आपका अप आएगा, डेवलपमेंट का ग्रोथ। दृष्टि के उपयोग से ही पक्का होता है, सिर्फ नॉलेज रखने से विज्ञान का अनुभव नहीं होता है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।